23% तो वध नौजवान बेरोजगार से गए। जेड़ा पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान तो भी वध है। एदा मतलब हर दूजा नौजवान देश से आज बेरोजगार है। 18-19 ताई वो कले 10,000 रुपए दे बाद में डेटा ही नहीं देता। 15 तो लेके 19 ताई कले 2,000 का होया का दुगनी की दी हुई है। ए दसन दी लोड़ नहीं की कुछ दिता है। दसो कि जेड़ा तुसी वादा कीता सी डबल क्यों नहीं होया। किसानी आंदोलन च उन्होंने क्या सी एमएसपी की कमेटी बनाई जाऊगी ते आउटपुट साडा एमएसपी अजे 30-40% किसानों जेब तो भरना पैंदा है ते सरकार ने एक्सपोर्ट ही बंद करता ताकि किसान दे जेब च कुछ ना आए। सब तो वड्डा योगदान है पंजाब का किसान जड़ी इतनी तो जमीन तो इतना सारा उपज करता है। ये अच्छे दिन तो नहीं कह सकते लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है श्रीमती हरसिमरत कौर जी। जी शुक्रिया सर। मेरा निवेदन है संकेत होने के पश्चात तुरंत विषय को समेटने का प्रयास कीजिए। जी सर। एक महिला होने के नाते मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि आज ये मेरा तीसरा टर्म लोकसभा का था और इन तीन टर्म में से दो एक औरत महिला राष्ट्रपति ने ये अभिभाषण दिया। तो इससे भी बड़ी बात इस बार ये हुई कि उनके बाद एक महिला वित्त मंत्री ने भी बजट पेश किया और इसकी भी खुशी थी कि अभिभाषण का जो शुरुआत किया वो भी एक महिला एमपी ने किया। तो जिस संसद में इधर आते सारी वुमेन रिजर्वेशन बिल सबसे बड़ा पहला बिल पेश किया गया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक नए भारत में ये नए नियम और नई चीज़ें जो शुरू हुई हैं ये इसी तरह ये बढ़ती रहें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हर एक महिला जो इस हाउस में पहुँची है वो सैकड़ों पुरुषों को के खिलाफ लड़के उनको हरा के तब यहाँ तक पहुँची है। तो ये महिला शक्तिकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला। सर महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी उपलब्धियाँ गिनाई, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी हैरानी भी हुई कई चीज़ों में कि कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, कितने प्लाक लगाए हैं, कितनी सेल्फीज अपलोड हुई हैं। मुझे नहीं पता था कि अब ये एक नया स्टैंडर्ड बन गया है देश की अचीवमेंट्स का, लेकिन वो भी सुनने को मिला कि कितनी सेल्फियाँ ली हैं और कितने प्लाक्स लगे हैं। लेकिन सर हाँ, एक तरफ देश के प्राप्तियों में बहुत बढ़िया चंद्रयान होए, बुलेट ट्रेन होए, बहुत सारे एयरपोर्ट्स होए, बहुत बढ़िया रोड नेटवर्क हो, ये बहुत कुछ महामहिम जी ने कहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमारे देश के चार स्तंभ युवा, गरीब, किसान, औरत, इनके ऊपर पूरा देश का फोकस, खजाने का फोकस रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचने और आंकड़ों के साथ सरकार को पेश करना चाहिए था कि आज क्या इन देश के युवाओं के, देश की औरतों के, देश के किसान के, देश के गरीब का पिछले 10 सालों में क्या उनके अच्छे दिन आ गए हैं? क्या उनकी जो मुसीबतें हैं, क्या जैसे देश विकसित हो रहा है क्या देशवासी भी वैसे विकसित हो रहे हैं कि नहीं? और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि यहाँ हम सब का फर्ज बनता है कि सिर्फ पक्ष में है तो सिर्फ तारीफ करें, विपक्ष में है तो सिर्फ नुक्स निकालें। कहीं ना कहीं हकीकत आंकड़ों के हिसाब पे करना ही हम सारों का फर्ज बनता है। तो मैं इन चारों चीज़ों पर समय यही कहना चाहवाँगी कि जब आप गल कर दिया नौजवाना दी, आज 50% हिंदुस्तान की आबादी नौजवाना दी हैगी। तो आंकड़े साढ़े वर्ल्ड बैंक से आ दसते ने कि जे 15-24 साल के नौजवानों देखा जाए तो 2022 के आंकड़े वर्ल्ड बैंक दसता है कि 23% तो वध नौजवान बेरोजगार से गए। जेड़ा पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान तो भी वध है। जेड़ी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेटा है वो दसता है 45.4% 12-24 साल के ये बेरोजगार से गए। यदा मतलब हर दूजा नौजवान देश से आज बेरोजगार है, ये हकीकत हैगी सर। ए बी एन सी आर बी डेटा दसता है कि 36,000 स्टूडेंट्स ने पिछले 5 साल 19-21 उन्होंने खुदकुशियां कीतिया ने। तो जेड़ा दे कोल नौकरी हैगी, हैरानी की गल तो हैगी कि 43,000 प्रोफेशनल्स ने भी एन सी आर बी डेटा दसता है 19-21 उन्होंने भी खुदकुशियां कीतिया ने। तो सर आही कारण हैगा शायद कि साढ़े देश में 68% राइज इन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड, देश छड़ के बाहर विदेशों में पढ़न वर जा रहे हैं, जिहड़ा 6-year ऑल टाइम हाई हैगा। अपने देश दे जड़े हिंदुस्तानी ने
तकरीबन 2-3 लाख हिंदुस्तानियों ने अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट छड़ते ते तकरीबन पंजाब च सब तो वध लोगों ने। तो अफसोस की गल हैगी कि जब माहे महिम जी कहते हैं कि एससी स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट वधी है, हकीकत आ हैगी कि 14,000 एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज़ तो उन्होंने ड्रॉप आउट करता हैगा। तो स्टूडेंट्स का तो मैं अपने अपने सूबे तो ही दस सकती हाँ सर कि साढ़े टाइम से जिन्नी एससी स्टूडेंट्स होंगे सी वो अद्धे रह गए हैगे क्योंकि उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं मिली, क्योंकि जेडे मंत्री साहब सके कांग्रेस पार्टी के उन्होंने इन्ना वड्डा घपला किया कि 60,000 करोड़ घपल के खा गए अजकल जेलों से, तो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो एससी रह गए पिछे। जिदे करके मैं बेनती करती हूँ कि एससीआ नूं होर सपोर्ट देने की लोड़ है। उन्होंने एनुअल इनकम 2.5 लाख जो 10 साल तो इनक्रीज नहीं, उन्होंने 8 लाख तक किया जाए। एक होर बड़ी जरूरी चीज़ सर, अज देश से ड्रग्स का बहुत वड्डा मुद्दा हैगा। मैनू हैरानी से कि किवें जब असी अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंट की गल करते 10 साल पहले, आज डेमोग्राफिक डिजास्टर बनी जा रहा ड्रग्स के नाल, इहदी गल आपां क्यों नहीं कीते? क्योंकि अज मैं अपने सूबे की जो गल करा, पाकिस्तान के राही ड्रोनस के राही रोज़ ड्रग साढ़े सूबे में आ रहे। पंजाब का हर कोने च हर परिवार हर पिंड ड्रग्स तो पीड़ित हैगा। रोज़ खबर च नौजवान ड्रग ओवरडोज करके ये मर रहे हैं। तो क्यों ये सरकार उन्होंने ड्रग्स ड्रोनस को रोकन वास्ते 10 साल से जब महिम जी कहते हैं बॉर्डर इन्होंने तकड़ा करने वास्ते बहुत कुछ किया तो आ क्यों नहीं किया? बहुत जरूरी, बहुत यदि लोड़ हैगी सर। दूजा मैं आँदी हाँ सर, किसान 60% देश किसानी का हैगा, वादा किया 2015 किसान की आमदन को दुगना किया जाऊगा। NSO का डेटा कहता है कि जोड़ा किसान का आमदन 8,000 रुपये 2015-16 से 2018-19 ताई वो कल 10,000 हुई, वो बाद तो डेटा ही नहीं दिता। तो जे 15 तो लैके 19 ताई कल 2,000 का होया तो दुगनी कि हुई है, ये दसन की लोड़ नहीं कि की कुछ दिता। ये दसो कि जोड़ा तुम वादा किया डबल क्यों नहीं होया? क्योंकि इस NSO का डेटा ये भी दसता है कि 50% किसान परिवार अज करजाई हो गए हैं, तो 5 साल से यह करजा 58% बढ़ गया देश के किसानों के उत्ते। तो आ भी एक सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट जेड़ा डेटा दसती है कि कल 2021 10,880 किसानों ने खुदकुशी, मतलब साढ़े देश से हर घंटे से एक किसान खुदकुशी कर रहा है। तो कितने ना कितने किसानी संकट हैगी। मैं अपने सूबे पंजाब जेड़ा कृषि देश सूबा हैगा वो बारे में थानू दसा, तो सब तो वध करजाई पंजाब के किसान हैगे। अज पंजाब जे जिते 80-85% सब स्मॉल ते माजना 5 एकड़ वाले 3-3 लाख का करजाई हरेक किसानी घर के उत्ते हैगा। एक किसानी संकट बहुत वड्डा हैगा, तो हज़ारा किसान रोज़ पंजाब से खुदकुशी कर रहे हैं। MSP की गल सर, महामहिम ने किया 18 लाख करोड़, लेकिन सर 850 किसान शहीद हो गए किसानी अंदोलन से। उन्होंने कहा कि MSP की कमेटी बनाई जाऊगी, एक लाजमी कमेटी जिदे स्वामीनाथन कमेटी की जी रिकमेंडेशन C2+50% उन्होंने लाजमी बनाया जाऊगा। 2 साल निकल गए, अज तक एक कमेटी नहीं। हकीकत आ हैगी सर कि जेड़े अज कणक नूं लै लईए वो तो DAP यूरिया बिजाई फर्टिलाइजर वो वाढ़ी कटाई 80% इनक्रीज हो गई है कॉस्ट इनपुट, तो आउटपुट साढ़ा MSP अजय 30-40% किसानों जेब तो भरना पैंता है। हकीकत MSP की आ हैगी। तो सर जब किसान के कोई मौका होंगे कि 2 पैसे कमा ले, यूक्रेन के वॉर से वीट की प्राइसिस वगिया तो सरकार ने एक्सपोर्ट ही बंद करता ताकि किसान के जेब से कुछ ना आए। सो सर इस करके मैं बेनती कर दिया कि ये तुसी स्कीम जी चला बहुत वधिया सर, 6,000 रुपये वाली स्कीम तुसी चलाए किसान सम्मान निधि बहुत चंगी गल है, लेकिन क्यों इस स्कीम नू जिहड़ा 2021 10,90,00,000 किसानों नू मिलता सी, फिर 2023-24 च इहनू 8.5 करोड़ किसानों नू सिर्फ लाभार्थी क्यों घटा क्यों दिते? किसानां दे आमदन वधी तो है नहीं। हुण साढ़े पंजाब च सर जिहड़ा 1.5% हिंदुस्तान की जमीन है, लेकिन 30% अन्न जिहड़े तुहाडे 80 करोड़ लाभार्थी हैगे जिन्हां तुसी राशन देंदे हो, सब तो वड्डा योगदान उह पंजाब दा किसान जिहड़ी इन्नी तो जमीन तो इन्ना सारा उपज करदा है। पंजाब च तुसी 26% किसान निधि समान वाले योजना के किसानों की बेनीफिशरीज़ को 26% घटाता, क्यों साडा कसूर की सीगा? साढ़े नाल वितकरा क्यों? तो सर किसान पंजाब के किसान ने अपना पानी खोया, अपना खून पसीना बहाया देश नू अन्न सरप्लस करन वास्ते, ते साढ़े नाल ये तक फसल बीमा योजना सर ये तो कोई दसदा नहीं हैगा कि इस बीमा कंपनियां ने किवें 57,000 करोड़ रुपए कमा लेते ने इस योजना तो। तो साडा पंजाब
ਦੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਜੂਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਜੂਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਗਦੋਰੀਆਬਾਦ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀ। ਦੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਭ, ਉਹ ਹੜ ਆ ਗਏ, ਬਾੜ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸਭ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੈਟਰੀਨ ਟੋਇਲਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ। ਅਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਸਰ, UN ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 74% ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਅਫੋਰਡ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ। ਗਲੋਬਲ 100 ਇੰਡੈਕਸ 23 'ਚ ਆਪਾਂ 111ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ 2/3 ਕੁੜੀਆਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਸਰ। ਹਕੀਕਤ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ 40% ਡੀਜ਼ਲ 60%, ਅੱਜ ਦਾਲਾਂ 70% ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਅੰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਰੁਪਏ, ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ 77% ਸਿੰਸ 2012। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 65% ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ RBI ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 5.1% ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 5.8% ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਪਰ ਮੈਂ ਆਤੀ ਹੂੰ ਸਰ ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਈ ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਨੇ 70% ਆਵਾਜ਼ ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਚੀਜ਼, ਇਸਕੇ ਲਈ ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭਕੋ ਤਾਲੀ ਵਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਆਪਨੇ ਯੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਮੁਦਰਾ ਕੇ ਲੋਨ ਆਪਨੇ ਦੀਏ, ਆਪਨੇ ਉਨਕੇ ਲਈ ਟੋਇਲੇਟ ਬਣਾਏ, ਆਪਨੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਕੋ 26 ਹਫਤੇ ਕਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਚੀਜ਼ੇ ਆਪਨੇ ਕੀ। ਪਰ ਸਰ ਜੋ ਆਪਕੀ NCRB ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਤੇ 1922 ਸੇ ਤੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੁਮੈਨ ਮੇਂ ਤੋ 10% ਕਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਆਜ ਹਮਾਰੀ ਵੋ ਮਹਿਲਾਏ ਜੋ ਰੈਸਲਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਆ, ਕੈਸੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਪੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਛੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨਕਾ ਯੇ ਹਾਲ ਹੋਗਾ ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਪੜ੍ਹਾਨੇ ਕਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੀ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮੇਂ ਹਮ 122 ਨੰਬਰ ਪੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਬ ਯੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮ ਵੁਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹਮ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਕਿ ਕਬ ਸੇ ਲਾਗੂ ਹੋਗਾ। ਆਪ ਬੋਲ ਦੇਤੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ 2028 ਮੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 47, ਤੋ ਯੇ ਵੀ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏ ਨਾ ਕਿ ਯੇ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯੇ 2027 ਮੇਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ 8 ਮੇਂ ਕਬ ਯੇ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਯਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਬੜੇ ਗਰਵ ਸੇ ਕਿ ਹਮ ਫ੍ਰੈਜਲ 5 ਸੇ ਹਮ ਟੋਪ 5 ਪੇ ਹੋ ਗਏ, ਯੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਫ੍ਰੈਜਲ 5 ਸੇ ਟੋਪ 5 ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਵੋ 10% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪਾਸ 90% ਵੈਲਥ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਵੋ 90% ਜੋ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਯੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੋ IMF ਕਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਵੋ ਕਹਤਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮੇਂ ਬਤਾਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਦੇਸ਼ੋ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਜੋ ਆਗੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਆਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਸਿਰਫ 2,14,000 ਹੈ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਨਕਾ 11,29,000 ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ੋ ਕੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਯੂਕੇ ਵੋ ਸਭ ਉਨਕੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਹਮਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਯੇ ਹਮ ਯੇ ਨਹੀਂ ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਤੇ ਕਿ UPA ਨੇ ਯੇ ਕੀਆ ਔਰ ਹਮਨੇ ਯੇ ਕੀਆ, UPA ਕੋ ਭਗਾ ਦਿਆ ਲੋਗੋ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਉਸਸੇ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਤਭੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕੋ ਕੋ ਆਪਕੋ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਕਾ ਪੇਟ ਭਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਦੇਣਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਹਮ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਗੇ ਬੜ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹੀਂ ਸ਼ਬਦੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਨਕੇ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤਭੀ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।